इतना बड़ा खानदान होता किसका है भाई, इतने सारे लोग, इतने सारे चीज है, बहुत नए नए लोगों से पहली बार इतने बड़े खानदान से दादी का तो कौन है क्या है मुझे कुछ पता नहीं, मैं किसी को भी नहीं जानती, मैं तो स्पेशली किसी को नहीं जानती। 5 years की मेरी मम्मी है, बट उनका ननियाल अभी भी है एंड उनके ननियाल को मैं खुद मतलब इस एज में देख पा रही हूँ। सुरेंद्र मामा जी की वाईफाई धीरे धीरे करके मैं बार बार आऊंगी तो मुझे सब याद रह जाएगा। हाँ सो गाइज, हम लोग पूरे जयपुर घूम के आ गए एंड आज हमारा लास्ट डे है राजस्थान में, लास्ट डे मतलब कल हम रात को इसी टाइम पे बैठने वाले ट्रेन में 1 बजे बैठेंगे। हाँ तो 24 घंटे के बाद हम लोग बैठ जाएंगे ट्रेन में एंड हम लोग पहुँच जाएंगे अपने उड़ीसा, अपने गांव, अपने देश उड़ीसा जाने के लिए। उड़ीसा बदल गई है क्या? अरे वो मैं अपने गांव में आई हूँ ना तो गांव वाली फीलिंग आ गई, लोग यहाँ उड़ीसा ही बोलते हैं। हम लोग पहुँच गए लक्ष्मणगढ़, ये मेरी मम्मी का ननियाल है। फॉर द वेरी 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 फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आई हूँ, मेरे को नहीं पता यहाँ पे कैसा क्या होता है, यहाँ पे कौन कौन रहते हैं, क्या लगते हैं, सो आप सभी को मैं दिखाऊंगी। राजस्थान में आने के बाद ना इतने नए नए लोगों से मिली हूँ, इतने नए नए लोगों से मिली हूँ कि मुझे आधे लोग याद है बट मुझे आधे लोग याद नहीं भी। चेहरे मुझे याद रह रहे तो किसी के नाम याद नहीं रह रहे, और अगर नाम याद रह रहा है तो चेहरा याद नहीं रह रहा है। बहुत कंफ्यूजिंग रिश्ते हैं हमारे। इतना बड़ा खानदान होता किसका है भाई, इतने सारे लोग। पहुंच गए हैं मामा जी अपनी सवारी लेके, तो चढ़ो बच्चों हमें मामा जी किडनैप करके नानी घर लेके जाएंगे। तो हम लोग अभी एक लंबा रास्ता पकड़ के आ गए हैं, इतना लंबा सफर, 3 घंटा ट्रेन में सफर किया, उसके बाद हम लोग पूरे 1 घंटे से बैठे हैं कार में एंड रास्ते इतने खराब है नवलगढ़ के, एंड हमें पता चला कि हम शादी में जा रहे हैं तो माया दीदी ने अपना मेकअप किया है। अभी कुछ 2 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं शादी वाले घर में, हमें अभी पता चला कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे शादी है यार। हमें तो शांति से 2 रोटी खा के सोना था, हमारे साथ स्कैम हो गया। हम लोग घुस चुके हैं शादी वाले घर में, कैसा लग रहा है? और अभी ऐसा लग रहा है कि हम कहाँ आ गए, हम तो किसी को जानते भी नहीं है। अब हम ऐसे देख रहे हैं जैसे कि ये कौन आ गए, हम किसी को नहीं जानते, मैं तो स्पेशली किसी को नहीं जानती, बस मेरे मामा जी सबको जानते हैं। हमारे लिए कितना अजीब होगा, नानी घर आई है, मैं किसी को भी नहीं जानती, ये सब लोग मेरे लिए एकदम नए हैं। कौन किसके क्या लगते हैं, मेरे क्या लगते हैं, मम्मी के क्या लगते हैं, मुझे कुछ नहीं पता है। उनको भी लग रहा है कि मैं कौन हूँ, बट मैं मेरी मम्मी बिरली भाई की बेटी हूँ, लता भाई की बेटी हूँ, तो वो बोल रहे थे शायद सब जान जाए लता भाई कौन है, हेली भाई कौन है, बस इतना पता है हेली भाई की छोटी बेटी है एक। तो खाने में बना है कितना सारा चीज़, तो ये है हमारा आज का खाना एंड हम सब खाना खा रहे हैं, मेरे पापा भी इधर ही है। श्रुति देख मिठाई विठाई, ब्याह शादी का घर है, खाना चाहिए, ऐसे झूठा नहीं, जिसका शादी मामा के बेटे की शादी है, भैया है वो मेरे मामा के है। मिष्टी बर्फी मतलब क्या है मम्मा को? मिष्टी दही दोई। घूमते पहुंच गए जहाँ पे हम लोग रुकने वाले 2000 years later। और आज है सीधा डायरेक्ट नेक्स्ट डे एंड हम लोग आराम से मस्त नींद लिए हैं 8 से 9 घंटे एंड अब 9:30-10 बजे हम निकल रहे हैं। आज हम नौलगढ़ से कहाँ जाएंगे हमें नहीं पता, बौद्ध धाम जाएंगे। ये सारी चीज़ें मैं पहली बार एक्सपीरियंस करूँगी एंड पहली बार घूमने वाली हूँ एंड आज ही ट्रेन है तो आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। इधर से उधर नौलगढ़ से हम रुक रुक के कहीं कहीं घूम घूम के जाएंगे, फिर वहाँ से फतेहपुर जाएंगे, वहाँ से फतेहपुर से जयपुर जाएंगे, इतना सारा सामान लेके, सो बहुत हेक्टिक होने वाला है। नौलगढ़ की गलियाँ, ये मेरी मम्मी के नानी घर है, तो मतलब सोचो मम्मी के नानी घर तक मैं पहुंच गई। हम तो बचपन में कभी अपने नानी घर जाने के लिए तरसते थे, अब ऐसा आ गया कि बड़े होके हम नानी के भी नानी घर जा रहे हैं। तुम कच्चर हो, इसको कच्चर बना दे, पधारो हमारे देश, अब पधारो नहीं हम पधार रहे अपने देश। तो जाने से पहले हम यहाँ पे मस्त सा नाश्ता करने वाले, छोले भटूरे मोती पाक है, ये रहे भटूरे गरम गरम, और ये रही राजस्थान की छोकरी जो बन के घूम रही है उड़ीसा वाली, मंठा है। इस बस एक ही डायलॉग याद करवा के लाई, एक नहीं मेरे को बहुत कुछ आता है। कौन सिखाया था? बावड़ी। कौन सिखाया था? तू बावड़ी, तू भी बावड़ी, बावड़ी की दो, बावड़ी की बाईडी, बाईडी नहीं भाई। अरे यहाँ पे कितने लंबे गोधे है, ये देखो सांड कितने लंबे है, मेरे हाइट हाइट के है भाई। और अभी हम आ गए हैं
जिनके यहाँ पे शादी थी उनके ही घर पे, वो ना मेरी माया दीदी की कुछ लगेंगी। ये है वो घर जिनके यहाँ पे आए, ये पुराने घर है, ऐसे लगते हैं थोड़े। तो बहुत सारे गेस्ट वगैरह है। कौन है? ट्विन पोते। हेलो हेलो, कितने महीने की है? 11 मंथ। मामा जी की पोती है यहाँ। कौन से मामा जी? मामा जी है ना। अच्छा अच्छा, राई तो मिल गया खुश हो। तो एक ही समस्या मामी जी है। कौन सा? सुरेंद्र मामा जी है। सुरेंद्र मामा जी की वाइफ है ये। मेरी मामा जी, मामी जी है। और आपकी जयपुर में? नहीं, नोखा। नोखा? आप तो जयपुर में रहते थे ना? नोखा पहले रहते थे, अब नोखा में। मतलब मैं याद नहीं कर पा रही, मुझे थोड़े याद है। दो मामा जी जो है बुआ की, मम्मी के बुआ के बेटे हैं, वो शिलोंग में रहते हैं। हाँ। और एक जन जयपुर में रहते हैं। बुआ के नहीं है वो, भाई के लड़के हैं। डबल रिश्ते, एक मामा जी के बेटे हैं और एक मतलब बुआ, दो रिश्ते हैं। वो समझ गई मैं, मेरे को याद है। और बुआ मामा के लड़के हैं, याद रहेगा। धीरे धीरे करके मैं बार बार आऊंगी तो मुझे सब याद रह जाएगा। तुम्हारा मामा? हाँ, मेरे मामा जी। और तुम्हारे नानी का भाई है? बस डन। मम्मी के भाई। हाँ, मेरे बहुत सारे मामा जी है। कम से कम अभी तक तो मैंने 15 से 20 मामा जी से, 15 से 20 से ज्यादा ही। और भी होंगे। तो अभी देखो, इतनी कॉम्प्लिकेटेड फैमिली है। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, मेरे दिमाग में कॉम्प्लिकेटेड हो गई, बिकॉज मैं पहली बार इतने लोगों से मिल रही हूँ। सबके ना डबल ट्रिपल कनेक्शन है, सब जुड़े हुए हमारे खानदान में, एक से लग के एक है। तो अभी हमारे पास है जो सुरेंद्र मामा जी, अभी देखी थी जिनके यहाँ पे हम शादी में आए हैं, उनकी बहू है ये। ये है पूजा, पूजा दीदी, पूजा भाभी, क्या बोलूँ, पूजा भाभी है, दीदी और भाभी। और मुझे पता चला कि ये बचपन में मुझे खिलाती थी, है ना? मेरे को बचपन में जब 6 महीने की थी तब ये मेरे को खिलाती थी। आपको मेरे बारे में कुछ याद है? बस थोड़ा बहुत, शिवानी नाम सुने हो जन, याद आ गया। उससे थोड़ा बहुत याद आया, क्योंकि हम भी ऐसे ज्यादा बड़े नहीं थे ना। हाँ, छोटे छोटे थे। तो माया दीदी और ये दीदी मतलब भाभी दोनों फ्रेंड थे बचपन में, दोनों साथ में खेलते थे, मेहंदी सीखते थे, सब कुछ करते थे। तो हम लोग एक्चुअली बचपन में कोलकाता में रहते थे, ये भी कोलकाता में ही तब रहती थी। शादी के बाद आप यहाँ आ गए ना। यहाँ पे जो ये है, ये सुरेंद्र मामा जी की बेटी है। सुरेंद्र, ओ आपका बेटा भी है, आपका बेटा है और बेटी भी है। यार सब इतने यंग कैसे लगते हैं? मेरे को लगता है मेरे को राजस्थान में रहना चाहिए, सब यंग दिखेंगे शायद। हम प्योर खाते हैं, प्योर घी खा के पूरे राजस्थान ट्रिप पे मैंने सिर्फ घी खाया और मिठाई खाई और कुछ नहीं खाई। तो ये जो है, ये सुरेंद्र मामा जी की रियल बेटी है, और मेरी जो गगन भैया है जिनकी अभी 12 तारीख को शादी है, वो उनकी रियल मामी है। एंड मेरे को सबसे बड़ा शौक ये लगा कि इनके दो बच्चे भी है जो 14 साल और 9 साल के, मतलब इनको देख के लगता नहीं है कि ये इनकी बेटी है, और इनसे छोटा एक भाई भी है। यंग लग रहे हो आप, सीरियसली। हाँ, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बट आई होप कि आप लोग को भी समझ आ गया हमारा रिश्ता कितना बड़ा और कितना लंबा सा है। तो ये हमारी पूजा भाभी, जो पूजा दीदी भाभी जो भी लगेंगी, वो इनकी बेटी है। आपका नाम क्या है? खुशी। और अच्छा नाम क्या है? सागरिका। तो चलो, यहाँ पे हम सबसे मिल चुके हैं नवलगढ़ में। ये नवलगढ़ का मेरा एक्सपीरियंस रहा। अब यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं मुझे कुछ आइडिया नहीं है। एंड यहाँ पे इतने सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कौन किसका क्या लग रहा है। बट हाँ, ऑल्दो मैं ट्राई कर रही हूँ सबको जानने का, एंड मैं ट्राई करूँगी कि सबको याद भी रखूँ, एंड बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे आऊँ, शादी अटेंड करूँ, ताकि और भी अपने फैमिली मेम्बर्स को जानूँ। बिकॉज अपना कल्चर, अपने लोगों को जानना इज़ अ मस्ट। हमेशा अपने कल्चर को, अपने लोगों को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, एंड यही मैं कोशिश करूंगी। सो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे राजस्थान आके, इतने सारे लोगों से मैंने मिला, इतने सारे फैमिली मेम्बर से मिला। सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस, एंड मैं चाहती हूँ और भी आऊं एंड सबसे मिलजुल के रहूं एंड मज़े करें। तो ये एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया था मेरा। अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर मैं कब कहाँ आ रही हूँ एंड किस लिए आ रही हूँ, लेट्स सी। ये है नवलगढ़ की गलियाँ, मार्केट। तो अब हम फिर से जा रहे हैं। मामा जी, अब हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे मामा के मामा घर जा रहे हैं। बस ये है हमारा ननिहाल, मम्मी का ननिहाल। सो कुछ ऐसा दिखता है पुराना, और ये पुराना घर है, कितना सुंदर लग रहा है, एकदम हवेली जैसा। एंड ऐसा लग रहा है कि मंदिर है कुछ। ये देखो भाई साहब, कितना सुंदर है और कितना एंटीक है। घर पीछे उधर, ओ पूरा मंदिर है। अच्छा, ये मंदिर है। अच्छा, यहाँ पे ना मंदिर में ही घर है, तो यहाँ पे सब रहते हैं। ऐसा सीन है, एक बीच में सेंटर में हनुमान जी का मंदिर भी है। तो हाँ, अभी इन टोटल ये समझ आया कि ये जो बड़ा सा है, ये मेरी मम्मी और ये मेरे मामा जी का ननिहाल है। माया,
माया हाँ शिवानी महेश मामा जी है ना भाई घर से और बेबी मामी की बहन है मामी जी की बहन भी है प्लस ये मेरी खुद की भी मामी जी ओके ये है मंदिर का घर वाला साइड और ये दूसरे साइड यहाँ पे सब रहते हैं उफ वो तो मैं ना मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ इतना सारा कंफ्यूजिंग रिश्ता है मतलब कौन किसके मामा लगेंगे और कौन सी मेरी मामी है कौन सी मेरी मासी है मतलब वेरी कंफ्यूजिंग बट स्टिल आई एम ट्राइंग मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि सबको जान पहचान करूँ प्रणाम करो सो यहाँ पे जहाँ पे भी आ रहा है ना तो सबका आशीर्वाद मिलता है सब लोग खुशी से ना पैसे देते हैं तो जैसे बोलते हैं ना कि बचपन में आते थे तब ननियाल में पैसे मिलेंगे ये होगा तो वही हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो मेरी कमाई हो जा रही है प्लस सबका आशीर्वाद भी मिल जा रहा है एंड बहुत नए नए लोगों से मिल पा रही हूँ अच्छा लग रहा है सो मतलब ये बहुत बड़ी बात है मम्मी का नानी हाल देख पा रहे हैं हम लोग इस एज में मेरी मम्मी इट्स लाइक 55 इयर्स की मेरी मम्मी है बट उनका ननियाल अभी भी है एंड उनके ननियाल को मैं खुद मतलब इस एज में देख पा रही हूँ अच्छा लग रहा है मुझे एंड मतलब ये सब विटनेस करना मुझे थोड़ा इमोशनल भी लग रहा है मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं इतनी इतनी जगह पे आ पाऊंगी एंड इतने लोगों से मिल पाऊंगी सो मन भर जा रहा है आज जा रही हूँ ना लास्ट सो या और यहाँ पे हम जहाँ पे भी रुक रहे हैं ना बहुत सारी चाय पी रहे हैं सुबह से ये तीसरी चाय नानी जी ध्यान रखिया और मैं वापस आवांगा दे दिया कोनी जी मां नानी जी दे दिया प्रणाम करूं आशीर्वाद दो खूब खूब हां बेटा खुश रहूंगा बेबी चाची है ना बाकी बहन हूं बाकी बेबी चाची नहीं बेबी मामी बेबी मामी हो और ये मेरी मासी जी है मेरे मामा जी की बहन हां ये भी मम्मी जी है अरे और ये है मेरी छोटी मामी जी वहाँ पे बड़े मामा जी का घर था ये छोटे मामी जी का घर है मैं नाम कर रही हूँ और ये है छोटे मामा जी इनका नाम है राकेश मामा जी ना ये राकेश मामा जी एकदम खूब बढ़िया सा हो ये लॉयर है वकील मामा जी लॉयर हेलो मामा जी प्रणाम अरे तो लॉयर है जब प्रणाम करूँ वरना नहीं 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 प्रणाम पहले कर लिया था फिर से अभी जा रही हूँ तो बड़े वकील है झुंझुनू पूरे डिस्ट्रिक्ट में अच्छे नामी और अच्छी वकालत करते हैं इनके पास अच्छे कार्य है इनके सारे क्लाइंट्स अच्छे हैं साफ सुथरा अभी भी आप करते हो 23 साल का एक्सपीरियंस है बाप रे 23 ईयर घर के बाहर निकलते ही यहाँ पे तो चाट पकौड़ी भी मिलती है अगर मेरे घर के बाहर होते तो मैं डेली रोज रोज यहाँ खाती और रेवेन्यू जनरेट करा दूँ सो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं बौद्ध धाम श्रीनाथ जी के मंदिर में एंड कुछ इस तरह से है आसपास में सब जगह सिर्फ बालू और हरियाली ही है एंड मैं भी पहली बार आई हूँ यहाँ पे यहाँ से इससे पहले मैं कभी यहाँ पे नहीं आई तो भगवान का बुलावा है वो जब चाहते हैं तभी बुला सकते हैं हमने बस सुना ही है इसके बारे में बट कभी आए नहीं है तो सबसे पहले हाथ वाथ धोते हैं एंड मैं सिर्फ नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही हूँ ट्रैवल कर रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो मज़ा आ रहा है तो ये है श्रीनाथ जी का मंदिर यहाँ पे विराजमान है मेन मंदिर श्रीनाथ जी का यहाँ पे है एंड यहाँ पे उनके पिक्चर्स एंड उनकी समाधि यहाँ पे है सो ये है पूरा यहाँ पे समाधि और ये है मंदिर के आसपास का एरिया वो था भोलेनाथ जी का मंदिर एंड ये वापस से हम लोग फ्रंट तरफ में आ गए एंड यहाँ पे श्रद्धा अनुसार आप कुछ भी भेंट कर सकते हैं दान पेटी में प्रसाद मिलेगा यहाँ पे हमें है रसोई घर यहाँ पे खाना बनता है यहाँ पे ना पूरे लाइन से बैठ के सबको खाना खिलाया जाता है तो अभी हम दिखाएंगे रसोई घर और ये रहे यहाँ पे खाना बनता है गरम गरम नो गैस ओनली चूल्हा और ये आटा गूंदने वाली मशीन है एंड ये है पुराने जमाने के जो फ्रिज हाँ इसके अंदर में ना खाना ऐसे रखते हैं हम सब बैठ के यहाँ प्रसाद खा रहे हैं क्या खा रही है पुता बने लड्डू है पेठा है सुहाड़ी है भुजिया है हमारे यहाँ ना गांव में बहुत सालों से मतलब जब तक साबुन वगैरह भी नहीं था तब से ऐसे मालू जो होती है ना हमारे यहाँ की रेत उससे बर्तन साफ किए जाते हैं जितने भी बर्तन होते हैं एकदम चमक उठते हैं बिल्कुल भी साबुन वगैरह की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है एकदम मट्टी से ही साफ करते हैं क्लीन करते हैं एकदम चमक आ जाती है मस्त वाली और अभी हमने बहुत बढ़िया दर्शन किए एंड पूरा जगह घूमा एंड इसके बाद हम फिर से दर्शन करेंगे एंड उसके बाद हम निकल जाएंगे
अपने फतेहपुर के। फतेहपुर पहुंच गए हैं, यहाँ पे शुरू होगी हमारे गगन भैया की शादी की सारी विधि विधान से जितने भी रिवाज से शुरू होते हैं ना पूजा। ओ अभी ब्रेक हुआ है चाय पार्टी का एंड सारी लेडीज आ गई है, गीत गा रही थी मम्मी ने जब कॉल किया था तब पीछे से गीत गा रहे थे। खबर नहीं हाँ खबर आ रही हो गए थे हाँ खबर ले वहाँ शादी के गीत चालू किए आज से गगन का शादी से रोज करेंगे गीत, रोज गीत होगी तो मजे जितने गुड़ देते हैं सबको हैं। आप पहले अपना आवाज तो ठीक करिए, जब से लाडे की बुआ मेरे पापा जैसे बोलते हैं लाडे की बुआ बन गई, लाडरी बुआ बनेरी घूमे और ये रही अभी नई नई सासूमा बनने वाली है मामी जी फ्रेश फ्रेश। मेरे को लगा था मामी जी से मिलूंगी नहीं बट फिर से हम पधार गए, आज लास्ट दिन है तो मामी जी से मिलके अरे वाह। और हम आ गए हैं रमेश मामा के घर पे तो बच्चे हमारे कहाँ गए। हेलो अब बैठ जाओ थोड़ी देर। हेलो क्या हुआ अरे अरे शांत हो क्या हुआ मिस्टर हाल है क्या वो बच्चा है डुगू आडू ये हमारा गप्पू क्या शानू क्या अरे मैं गंदा लग रहा हूँ यार शानू आ गया गंदा लग रहा जो बंदा हमारा रोस्ट कर रहा था पूरी शादी में वो आज उसको रोस्ट करेंगे। देखो इनर में बैठा है ये बच्चा नहीं बन गया मुझे तो मिस्टर हैंडसम है ना मिस्टर हैंडसम अभी भी कोई हैंडसम नहीं है अभी इन बार का चांसेस कर रहे हैं उसका मतलब क्या होता है मिस्टर कैंसर है यानी कि भूत वाला अंकल आदू मतलब प्यारा बच्चा शोर है ये उठेगा हम जाएंगे तब तक अगर उठ गया तो मजा आ जाएगा इसके बाद भी खेल देंगे। तो फटाफट से जाते हैं आज हमारी ट्रेन है रात के 1:30 बजे कहाँ से जयपुर से एंड अभी हम शाम के 6 बजे फतेहपुर की गलियों में घूम रहे हैं कॉज हमें करनी है शॉपिंग। इतना घूमने के बाद भी हमने अपना दिल नहीं भरा है शॉपिंग करने से, हमारी कुछ ना कुछ चीज़ें मिस हो गई जैसे वो बोलता है ना लाइफ में कुछ भी कर कितना भी ट्राई कर लो बनी कुछ ना कुछ तो रह ही जाता, वैसे हमारी चीज़ें रुक गई है। शताब्दी एक्सप्रेस की तरह हम भाग रहे हैं फटाफट श्रुति लिटिल लेग्स फटाफट। तो ये आखिरी दिन हमारा राजस्थान में यहाँ पे हमारी गलियाँ देख लेते हैं, पता नहीं कब हम वापस आएंगे कौन से दिन आएंगे कौन से साल आएंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है 1 साल के अंदर अंदर जल्दी जल्दी आ जाएंगे। देखो कितनी सुंदर हवेली है यहाँ पे, बहुत सुंदर सुंदर घर है यहाँ पे, पुराने घर है जो मैंने कभी नहीं देखा इतना। मैं तो कितने सालों पहले आई थी, अंकित भैया जो मेरे भैया है मामा जी के बेटे उनकी शादी में आई थी बट मैं कभी नहीं घूमी हूँ फतेहपुर, आज पहली बार अभी घूम रही हूँ। और ये है फतेहपुर का सबसे फेमस लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर, सबसे पुराना मंदिर। वाओ तो सबसे पहले आए हैं हम जेना के लिए शॉपिंग करने के लिए, वो उसकी मम्मी ने ऑर्डर दिया है तो वहाँ पे हम ये साड़ी शोरूम में आ गए हैं, यहाँ पे सारी चीजें हैं। तो मैंने ना बहुत ज्यादा सुना था कि लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर के पास में ना झालमुड़ी बहुत टेस्टी मिलती है तो मैंने वो ट्राई कर लिया, बहुत स्वाद थी मजा आ गया खा के। और ये है फतेहपुर का लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर। बाय गन वन के बस हाथ से चाचा मिस यू रेस्ट बाय दुगू बाय दुगू बाय शानू अपना ध्यान रखना मिस्टर हैंडसम चलो बाय बाय कसू दीदी बाय बाय मिस्टर अंकल मिस यू टू फिर मिलेंगे अपन। और अब हम रवाना हो गए हैं हमें छोड़ने के लिए, इतने सारे लोग और हम ऐसे भर के गा रहे हैं। अब हम पहुंच गए स्टेशन और इतने सारे लोग आए हमें छोड़ने के लिए, मेरे मामा जी दूसरे मामा जी माया दीदी रितु दीदी मम्मी सब कोई आए गुड बाय करने के लिए। ये तो मामा जी हमसे भूल चूक हो तो माफ करना, नहीं करेंगे। खूब आनंद आया हमसे, हमारी दो सहेलियां कैसी लगी आपको? बहुत प्यारी प्यारी बहुत अच्छी भाईली। ट्रिप एकदम मस्त गया, बहुत अच्छा आया, बहुत एंजॉयमेंट हुई एंड बहुत सारी मेमोरीज के साथ हम जा रहे हैं एंड आई विल रियली मिस राजस्थान। ये वाला ट्रिप मेरा बेस्ट था। गंगा जमुना सरस्वती बह रही है हमारी दीदी, हमें लगा कि हमारा व्लॉग यही खत्म हो रहा है जयपुर बस यहाँ तो मार्केट ले आई है।
पूरी ट्रिप इसी ने घुमा दी है, बहुत अच्छा लगा है। ये तो कोई बात नहीं, आप बड़ी है ना तो आप थोड़ा बहुत, ये तो आपका कर्तव्य। लो लो लो, बाप रे, ये रुक जा बहन, रुक जा, हमारी ट्रेन आने वाली है, ऐसे रो के विदा करोगी क्या? रो के विदा नहीं करते हैं लोगों को, हंस के विदा करते हैं। बिल्कुल नहीं, अरे डांटा होता तो फिर हम लोग